करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक अनसंग हीरो मकबूल शेरवानी। बहुत लोगों ने क्या किसी ने इनका नाम नहीं सुना है। युद्ध में कुछ ऐसे हीरो होते हैं जो युद्ध का निर्णय बदल देते हैं लेकिन जिनके बारे में हमको ज्यादा पता नहीं होता, तो मकबूल शेरवानी उनमें से एक है। अब मकबूल शेरवानी को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। हम जो सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है कि कैसे इन्होंने कबाइलियों को धोखा दिया, उनको बेवकूफ बनाया, जब कश्मीर वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला कश्मीर वॉर। हालांकि फुल स्केल वॉर वो नहीं था बट फिर भी हम उसको वॉर ही बोलेंगे 1947 में। तो कैसे मकबूल शेरवानी ने यहां पे पाकिस्तानी फौजों को बेवकूफ बनाया, ये कहानी उसकी। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें इनका कोई हाथ नहीं था, बहुत लोग इनको गद्दार भी बोलते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी कुछ और ही मानती है। इनके नाम पे बाकायदा इनको एज अ ट्रिब्यूट कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। तो देखेंगे मकबूल शेरवानी की कहानी, साथ ही साथ कश्मीर की भी कहानी। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चक्कर पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। अपने नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यूपीएससी के लिए हमने बेहतरीन कोर्सेज बनाए हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है, 796 वॉन्ट्स है दोस्तों। हाँ, इस साल कम है बट कोई नहीं, आप पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा, जरूर अवेल करिए। तो दोस्तों कौन है ये? एक हीरो है, 19 साल के थे। देखिए ज्यादा इनके बारे में डेटा या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। इनके बारे में ये बोला जाता है जब कबाइलियों का इन्वेजन हुआ तब इन्होंने उनको भटका दिया। अगर ये ना होते तो हो सकता है कबाइलियों का श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा हो जाता। कहानी क्या है दोस्तों, कहानी पे चलते हैं। देखिए 1939-1940 में आपको पता है ये लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, पाकिस्तान की मांग मान ली गई, पाकिस्तान अब बन के रहेगा एक अलग देश। क्यों? क्योंकि 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मुस्लिम लीग को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो कांग्रेस हर जगह छा गई। अब यहां पे जिन्ना को डर सताने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिमों को तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन जिन्ना ने फिर ये कम्युनल अपना कार्ड खेला और उसके बाद उन्होंने बोला, मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी कवर्ड है, आप जरूर देखिएगा, उसमें उन्होंने बोला कि अब हमको अलग देश चाहिए। तो 1940 से लेकर 1947 तक कई बार डेडलॉक क्रिएट हुए। 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान आया जिसमें डेडलॉक अगेन, ना मुस्लिम लीग मानी उस प्लान को, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस मानी। अब क्या था आप देख लीजिएगा, मैं इतना कवर नहीं करूंगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं देसाई लियाकत पैक्ट आया, सिराज गोपालचारी फॉर्मूला आया कि आप, उसमें मुस्लिम लीग से ये अर्ज किया गया कि आप हमारी मदद कर दो, ठीक है। और एक बार जब ब्रिटिश से हमको आजादी मिलेगी, भी पहला गोल हमारा ये है कि हमको आजादी मिले, उसके बाद फिर हम बैठ के सुलझा लेंगे कि किसको क्या मिलना चाहिए। ये भी दोनों ने नहीं माना, ना कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग ने, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान में हालांकि यहां पे चीजें बहुत ही बिखरी हुई थी लेकिन उसमें भी डेडलॉक की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट रही, ठीक है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग चाह रहा था कि उनको पाकिस्तान मिले, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि धर्म के आधार पे बिल्कुल भी विभाजन नहीं होगा, जो मुस्लिम एरियाज हैं, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, बिल्कुल भी हम उनको नहीं देंगे। लेकिन जब मूड खराब हो गया यहां पे किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का, और 1946 जून आ गया, जुलाई आ गया, कोई रास्ता नहीं निकला, तब यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला बहुत हो गया, डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च करो। तो अगस्त में फिर डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया गया। 3 दिन तक नोआखुली में दंगे हुए, बंगाल में दंगे हुए, ये हिंसा पूरे देश में फैल गई, बहुत जाने गई दोस्तों, कितने लोगों को मारा गया, सड़कों पे खून बहता था, नालियों में खून बहता था, इसमें हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, दोनों तरफ से सांप्रदायिक हिंसा फैली है और बहुत बुरी हालत हो गई दोस्तों, कासिम रिजवी जो इसमें था, और बड़ी बड़ी हालत खराब, ठीक है। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि कोई चारा नहीं है और हमको पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा। इतना ज्यादा, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि कई बार मैंने ये सुना है कि लोग तर्क देते हैं कि ऐसे कैसे बंटवारा हो गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे मान गई, और उनके पास कोई चारा नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, उन्होंने साफ अब यह मन बना लिया था, महात्मा गांधी ने भी यह मन बना लिया था, प्रॉब्लम हो गई थी, मान ही नहीं रहे थे, हिंसा हो रही थी, लोगों की जाने जा रही थी, तो लोगों को बचाने के लिए बंटवारा करना ठीक रहेगा। लेकिन जब बंटवारा हुआ उसमें भी बहुत ज्यादा हिंसा, क्योंकि पंजाब का मेजोरिटी पोर्शन चला गया पाकिस्तान में, लाहौर पूरा पाकिस्तान में चला गया, सिंध पूरा पाकिस्तान में चला गया, वहां से भी तो लोगों को भारत में आना था ना, ठीक है, वहां पे बहुत कत्लेआम हुआ,
ठीक है, 1947 में कितने सिखों को, खत्रियों को मारा गया, सिंधियों को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, कितने मुस्लिम्स मारे गए, हर दोनों तरफ से यहां पे लाशें बिछी। इधर बंगाल में भी यही हो रहा था, जो बांग्लादेश वाला आज का एरिया आप देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। फिर भारत होता है आजाद 1947 में, वल्लभ भाई पटेल बनते हैं होम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। वल्लभ भाई पटेल कमाल के इंसान, हीरो, जितनी तारीफ करें कम है। वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री दी गई और बोला गया कि 565 रियासतों को आप एक करिए, वो खाली वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को बखूबी निभाया, लेकिन चार रियासतें ऐसी थी। अब हाँ, स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मेरा पूरा एक घंटे का सेशन है, ठीक है, एक घंटे से थोड़ा कम का सेशन है, पूरा मैंने कवर किया कि 1947 में चल क्या रहा था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन के साथ लग गए इस काम में, लेकिन चार ऐसी रियासतें थी जो मानी नहीं। एक थी जूनागढ़, ठीक है, एक थी ट्रावणकोर, ठीक है, एक थी हैदराबाद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, हैदराबाद बिल्कुल भारत के बीच में, और हैदराबाद कह रहा हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जो कि नामुमकिन था, और चौथी कश्मीर, ठीक है। जूनागढ़ मार गया, मान गया, ट्रावणकोर मान गया, हैदराबाद को वहां पे पटेल ने सेना भेज दी, कश्मीर में प्रॉब्लम। कश्मीर में प्रॉब्लम क्या हुई, कश्मीर में हो जाता है कबाइलियों का इन्वेजन। आजादी के बाद कुछ वक्त तक वेट किया यहां पे, भारत ने भी वेट किया, क्योंकि राजा हरि सिंह जो थे कश्मीर के, उनका यह स्टांस था कि ऐसा है, अभी हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के साथ जाएंगे, हमको थोड़ा सोचने का आप टाइम दीजिए। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ठीक है एक साल के लिए साइन कर लो, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इतने में हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों का सब्र जो है वो जवाब दे गया, और उसके बाद 22 अक्टूबर को उन्होंने लॉन्च कर दिया फुल ऑन इन्वेजन ऑन कश्मीर, कि जाओ कश्मीर को इन्वेड करो। पाकिस्तान की फोर्सेस ज्यादा थी दोस्तों, यहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने पाकिस्तान का साथ दिया। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों, एक नए देश को इंटरनेशनल, जैसे ब्रिटिश ने भी, अमेरिका ने भी, अमेरिका तो बहुत टाइम तक पाकिस्तान के साथ था, ऐसा क्यों हुआ, आप बताऊं ऐसा क्यों हुआ। भारत रियासतों से मिलके बना था, भारत में इतने कल्चर्स थे, यूनिटी डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, भारत का चलना बहुत मुश्किल था, भारत को एक देश बनाया गया, एक्चुअली में भारत एक देश नहीं था, उसको बनाया गया, अखंड भारत का निर्माण किया गया, और हर किसी ने सोचा, जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज थी, कि भारत चल नहीं पाएगा, 10 साल में ही कोलैप्स कर जाएगा, तो बेटर है पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, उसकी नींव बहुत ही स्ट्रांग है, पाकिस्तान के साथ जाओ। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको पता ही है, कोई परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनमी होता नहीं है, तो ब्रिटिश और यहां पे अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारत को अंडर एस्टिमेट कर गए, है ना, अरे भैया इन्होंने कहा हमारा इतिहास पढ़ा है, अरे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से 4000 साल से हमारे डेमोक्रेसी है, 6000 साल से हमको, हम ऐसे ही रहते हैं, हर धर्मों का हमने स्वागत किया है। तो भारत कोलैप्स नहीं किया, बहुत स्ट्रांग हो गया, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बना। अब उसमें लीडर्स भी हमारे कमाल के थे शुरू के, बहुत ही बेहतरीन, आज की तरह नहीं, बिल्कुल आज की तरह नहीं। तो यहां पे सबका स्पेकुलेशन एकदम बेकार साबित हुआ, और पाकिस्तान की हालत फिर आपको पता ही है क्या हुई, पाकिस्तान में तख्ता पलट होते रहे, कई बार अनस्टेबिलिटी आई, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब होगी, भारत आज भी बहुत समृद्ध है, ठीक है ना, हाँ उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं है भारत में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक डेवलपिंग नेशन है, हर कोई यहां पे रहता है, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स यहां पे रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब चंगासी है ना। तो यहां पे दोस्तों कश्मीर पे जब फुल ऑन इन्वेजन लॉन्च हुआ, यहां पे बहुत सारे देशों ने भी सपोर्ट किया, ठीक है, यहां पे अफगानिस्तान से बकायदा अफगानिस्तान का भी सपोर्ट था, पाकिस्तान के तो थे ही, कबाइलियों को, पठानों को लेके आए। अब ये जो पठान थे, देखिए इसमें क्या थे कि ये जो हजारों की संख्या में आए, इसमें कुछ तो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे जो कि कबाइलियों की ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे, और कुछ थे, ज्यादातर जो थे वो पठान्स थे जिनको कुछ नहीं आता था, जो जंगली थे। 22 अक्टूबर को ये रेड लॉन्च हुई, 5 दिनों तक 27 अक्टूबर तक ऐसी लूट खसोट मचाई है दोस्तों। शुरू में तो उन्होंने इन्वेजन लॉन्च किया, ठीक है, बारामूला तक आ गए, जो कि श्रीनगर से कुछ ही दूरी पे है, ठीक है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है शायद, ठीक है, तो बारामूला तक आ गए, लेकिन बारामूला में ये रुक गए। क्यों? क्योंकि वहां पे इनको दिखी वेल्थ, बहुत ज्यादा खजाना है, इन्होंने लूट खसोट एकदम शुरू कर दी, बलात्कार शुरू कर दिए, कितने हॉस्पिटल्स बर्बाद कर दिए, नंस के साथ इन्होंने रेप किया और बहुत बुरी हालत की। एक कहानी है दोस्तों, अभी मैं प्रधानमंत्री सीरीज 2 देख रहा हूं, ठीक है, जो उनकी सेकंड सीरीज आई, जरूर देखिए, कमाल की सीरीज है।
उसमें कहानी एक इंसान ने बताई है कि जब ये पूरा मामला चल रहा था तो ये जो कबायली थे ये क्या करते थे, ये लोगों को लाते थे और उनके गर्दन काटते थे, कुल्हाड़ी से गर्दन काटते थे, ठीक है। तो एक इंसान ने बोला कि हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप गर्दन मत काटिए, हमको गोली मार दीजिए। तो उस कबायली ने बोला कि तेरे दो कौड़ी के शरीर के लिए मैं अपनी दो आने की गोली बर्बाद करूं, तू तो ऐसे ही कटेगा। इतना ज्यादा ब्रूटल इन्वेजन था दोस्तों ये। अब हरी सिंह का क्या स्टांस है, हरी सिंह के पास कोई चारा नहीं था, हरी सिंह को अपनी आर्मी पे बहुत भरोसा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ, उनकी आर्मी भी पाकिस्तान के साथ मिल गई, उनकी आर्मी के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए, अब कुछ लोग रह गए इनके साथ, कुछ लोग जो बहुत ही वफादार थे वो रह गए। पाकिस्तानियों ने इनकी आर्मी को, भाई लोगों को तो अच्छी चीजें चाहिए भाई, आर्मी में तो लोग होते हैं ना, ह्यूमंस होते हैं, उनको भी अच्छी चीजें। पाकिस्तान ने बोला आप हमारे साथ आ जाओ और हम आपको बहुत बढ़िया चीजें देंगे, तो वहां पे उन्होंने छोड़ दिया साथ। अब जब भारत से मदद मांगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया, तब भारत की सेना गई, ठीक है। लेकिन यहां पे भी पेच है, भारत की सेना तो गई लेकिन यहां पे शेख अब्दुल्ला ने कमाल का काम किया, जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त जिनकी बायोग्राफी मैंने कवर की। शेख अब्दुल्ला ने यहां पे अपनी एक फौज बनाई, कश्मीर के लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए एक फौज तैयार की थी दोस्तों, जिसमें हर कोई शामिल था, और इसी के ही थे मकबूल शेरवानी, समझ रहे हैं। तो बहुत कहानियों में आपको मिलेगा कि मकबूल शेरवानी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, सॉरी मेंबर थे, ठीक है। तो यहां पे जब कबायली आए तो मकबूल शेरवानी ने उनको गलत रास्ता दिखाया, श्रीनगर जाने के लिए ये रास्ता नहीं है, अपनी बाइक पे मकबूल शेरवानी कबायलियों को गलत रास्ता भटका दिया रास्ता, जिसकी वजह से देर हो गई, ठीक है। अब यहां पे दूसरा मत ये है, मैं आपको सारे मत बताऊंगा जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, जितने भी तर्क रहते हैं, दूसरा पॉइंट ये है यहां पे कि इसमें मकबूल शेरवानी का कोई काम नहीं है, इसमें कबायलियों की इंटरनल रिफ्ट इतनी ज्यादा थी, वो बारामुल्ला में रुक गए और वहां पे उन्होंने लड़ाई करनी शुरू की, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा देर हुई। लेकिन मकबूल शेरवानी का एक बहुत बड़ा रोल तो था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कबायलियों को गलत रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से 27 अक्टूबर को जब भारत की सेना गई, पटेल ने तुरंत आनन फानन में रवाना किया सोमनाथ शर्मा, उसके बाद नवंबर में जब बैटल हुई सोमनाथ शर्मा उसमें शहीद हुए, फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी ऑफ इंडिया। सारे परमवीर चक्र अवार्डीज की मैंने बायोग्राफी रिव्यू किया, पूरी सीरीज है सेपरेटली, विक्रम बत्रा हो गए, मनोज पांडे हो गए, सोमनाथ शर्मा हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, सबकी बायोग्राफी अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम देखते हैं भारत की सेना श्रीनगर पे आई। अब भारत की सेना जब श्रीनगर पे उतरी तो भारत की सेना को कुछ भी पता नहीं था कि क्या है यहां पे, क्या हो रहा है, क्या श्रीनगर एयरपोर्ट को ले लिया गया है, लेकिन लकीली श्रीनगर एयरपोर्ट बचा हुआ था। तो तुरंत भारतीय सेना ने पैरामीटर बनाया सबसे पहले एयरपोर्ट को, क्योंकि एयरपोर्ट को अगर एक बार कबायली ले लेते तो पूरा एरिया ही कट हो जाता, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो पूरा एरिया कट कर देते, सप्लाई लाइंस काट देते और पूरा श्रीनगर जो है कश्मीर का एरिया भारत के हाथ से चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम बच गए। और इसमें मकबूल शेरवानी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो मकबूल शेरवानी के बारे में ये दो पॉइंट्स है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन ज्यादातर बोलते हैं इनका रोल तो था, 19 साल के हट्टे कट्टे नौजवान और इन्होंने मोर्चा संभाला और कबाइलियों को गलत रास्ता दिखाया, बार बार ये रास्ते को भटका देते थे, इधर से जाओ, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को काफी टाइम मिला। और जब यहां पे पता चला कबाइलियों को कि ये जो मकबूल शेरवानी है ये इतनी बदतमीजी कर रहा है और हमको भटका रहा है, जैसा जीसस क्राइस्ट का हाल हुआ था वैसा ही मकबूल शेरवानी का हुआ। मकबूल शेरवानी को भरे बाजार में ले आया गया सांबूल से, जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है बारामूला से, वहां से पकड़ा। शेरवानी उस समय अपनी बाइक पे जा रहे थे, 19 साल के थे खाली, पकड़ा उनको, ठीक है, गोली मारी और उसके बाद उनको क्रूसीफाई लटका दिया गया भरे बाजार में, ठीक है ना। लेकिन उनके लटकाने से कुछ नहीं हुआ, शेरवानी शहीद हो गए थे और उन्होंने अपना काम कर दिया था, और इसीलिए इनको शहीद मकबूल शेरवानी बोला जाता है। आर्मी कैंटोनमेंट में इनका बकायदा पूरा एक अलग से मेमोरियल बनवाया गया है, ठीक है। और नवंबर 7, 1947 में इनकी हत्या कर दी गई थी, 19 साल के सिर्फ ये थे, ठीक है। अब इनके दोस्तों ने ये सारी चीजें बताई हैं, आंखों देखी बात, 82 साल के खालिक परवेज ने बताया है कि 14 गोलियां मारी गई थी, ठीक है, और उसके बाद इनको लटका दिया गया था, दो पिलर्स के बीच में, खान होटल के दो पिलर्स थे उसके बीच में इनको लटका दिया गया था कि अगर कोई भी उनका साथ देगा तो ये हाल होगा। लेकिन अपना काम तो कर दिया था। 27 अक्टूबर को फिर हमारी आर्मी आती है और जैसे ही हमारी आर्मी आई, हमारी आर्मी ने मोर्चा संभाला, सारे कबाइलियों को भगा भगा के मारा और उसके बाद पूरा पीओके जीत जाते हैं यार हम लोग, पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन वो छोड़िए उसको, उस स्टोरी पे हम नहीं जाते फिलहाल, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं हो पाया
है ना, तो हमारी आर्मी ने कमाल का काम किया और मार्च आते आते 1948 आते आते हमारे पास पूरा जो श्रीनगर का एरिया है और कश्मीर का एरिया वो हमारे पास आ गया था और हमने पीछे ढकेल दिया था। बल्कि पाकिस्तान के जो कबायली थे उनकी आर्मी थी वो मच सुपीरियर थी और बाद में भारत की तरफ से ये अपील हुई, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन और बाकी सबने यहां पे बकायदा जिन्ना से मुलाकात की कि आप रोकिए इनको, ये आपके ही कंट्रोल में नहीं है। जिन्ना तो पहले इस बात को नकार रहे थे कि वो हमारे नहीं है, वो तो पठान है जो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद मान ही लिया कि ठीक है मैं देखता हूं क्या करता हूं क्या कर सकता हूं। लेकिन वो पाकिस्तान के कंट्रोल में भी नहीं थे, पाकिस्तान ने भी ये थोड़ी ना बोला था कि जाके वहां पे रेप करना शुरू कर दो, वो उनके भी कंट्रोल में नहीं थे, जंगली थे एकदम और हालत खराब कर दी यहां पे, ठीक है। और भारतीय इंडियन आर्मी जब आई तो उन्होंने कमाल कर दिया, ठीक। तो ये चीज है और यहां पे शेरवानी कम्युनिटी हॉल इनकी याद में 2004 में बनवाया गया और उसमें लिखा है कि द करेज एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस मेड बाय द यंग मैन इन डिफेंडिंग द हिस्टोरिक टाउन ऑफ बारामुल्ला। बारामुल्ला को बचा लिया इन्होंने, बारामुल्ला अगर ये नहीं होते तो बारामुल्ला बचता नहीं, बारामुल्ला में ही रहे वो, रास्ता भटका दिया, 5 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हमारी आर्मी को। अब हाँ इसमें ये तो था ही कि बारामुल्ला में रुक गए और वहां पे, लेकिन ये कमाल का काम किया इन्होंने, काफी टाइम मिल गया से इंडियन आर्मी को, ठीक है। तो ये चीज थी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे। उसके बाद दोस्तों एक और चीज, ये जो फौज बनाई थी शेख अब्दुल्ला ने, इसको सलामती फौज बोला जाता था, इसमें बहुत सारे कश्मीर के नौजवान शामिल थे, बहुत सारे कश्मीर के नौजवानों ने इसमें पार्ट लिया कि ट्राइबल्स को तो बिल्कुल भी नहीं घुसने देना है, जंगली। और देख लीजिए इनका जो स्लोगन था कि हमला आवान खबरदार, सलामती फौज है तैयार। हरबंस सिंह जो है, जो कि एक और सिख रेजिडेंट है जो बारामुल्ला में रहते थे, हर किसी ने इस फौज का साथ दिया, उन्होंने एक और एक यहां पे सिखों ने एक नया स्लोगन बनाया कि कदम कदम बढ़ेंगे हम, महस पर लड़ेंगे हम, समझ रहे हैं। तो ये कमाल की चीज हुई, हर किसी ने कश्मीर को आजाद कराने के लिए कबायलियों से बहुत काम किया और फाइनली कश्मीर जो है वो भारत के पास आया और हमारी फौज से तो वैसे भी कोई नहीं लड़ सकता। तो ये कहानी थी मकबूल शेरवानी। मुझे पता है कि इसमें ज्यादा डेटा तो उनके बारे में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये मुझे स्टोरी बड़ी कमाल की लगी तो मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे अनसंग हीरो के बारे में हमको जानना पड़ेगा, देखिए इन लोगों ने भी कितना जबरदस्त काम किया है। अक्सर हम कश्मीरियों को बड़ा ही विलन बना देते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारतीय फौज के लिए कमाल का काम किया। कोई इंसान दिल से बुरा नहीं होता, ठीक है। तो ये कहानी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।